हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो 10 दिन के लिए मैं घर गई हुई थी, तो मेरे काफ़ी प्लांट ख़राब हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे उपाय भी किया था, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। कटोरी और बोतलों में पानी हमने भर भर के कई जगह पर रखा था, फिर भी हमारे कुछ प्लांट ख़राब हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट ख़राब हो गए हैं। तो ये देखिए स्नेक प्लांट, ये गल गया है, इसमें ओवर वाटरिंग हुई है। इसमें हमारे हस्बैंड ही पानी दे के गए थे बहुत ज़्यादा, तो देखिए ये गल गया है। इसमें ये न्यू बेबी प्लांट ही निकल रहा था, तो ये ख़राब हो गया है एक इसमें से। वैसे तो हमारे पौधों को पानी मिल रहा था, फिर भी पौधे ख़राब हुए हैं क्योंकि काफ़ी लू चल रहा है। ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये तो सही है। इसमें दो तरह के लगे हुए हैं, एक वेरीगेटेड है, एक ग्रीन। इधर देखिए एक मनी प्लांट था, ये ख़राब हो चुका है, इसके सारे पत्ते जल गए हैं क्योंकि दिल्ली में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और पड़ भी रही है अभी भी। और इधर था सिंगोनियम का प्लांट, तो ये बिल्कुल सूख चुका है। तो कहीं जाइए तो पता नहीं पौधों को क्या हो जाता है, इनको पता चल जाता है कि हमारा देख रेख करने वाला यहाँ नहीं है जो कर रहे थे, और मुरझा जाते हैं पौधे एकदम से। इधर संध्या मालती था जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, ये मुरझा रहा था पर अब बिल्कुल ख़राब हो गया है। और ये है डेविल्स बैकबोन जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और तेज़ धूप में भी चलता रहता है। इधर हमारा मोगरा का प्लांट है, इसके सारे पत्ते जल गए हैं लू के वजह से, गर्म हवाएं चल रही हैं तो उसके वजह से सारे पत्ते जल गए हैं, जबकि इसमें फूल भी आ रहा था। तो देखते हैं फिर से पत्ते आते हैं कि नहीं इसमें। ये मेरा मोगरा का प्लांट बहुत अच्छा हो रहा था पर एक बार की ये ख़राब हो रहा है। और इधर तुलसी, तुलसी तो ठीक है, कुछ महीने पहले हमने तुलसी लगाया था। और ये है हमारा कड़ी पत्ता, छोटा सा प्लांट, कड़ी पत्ते वाला गमले में ही एक तुलसी भी जम रही है। और इधर है गुड़हल, गुड़हल तो लगभग ठीक है, बस एक प्लांट मेरा ख़राब हुआ है। तो देसी वाले गुड़हल तो अच्छे चल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा एक मिर्ची गुड़हल था वो गड़बड़ हो गया है, उसके सारे पत्ते गिर गए हैं, गर्म हवा की वजह से हुआ है, गर्म हवाएं ये झेल नहीं पाते। तो देखते हैं इसमें पत्ते आते हैं कि नहीं। डंडी तो हरी है इसकी भी, तो इसमें अभी हमने फिलहाल पानी दे दिया है, खाद वगैरह नहीं दिया है, सारे पौधों को अच्छे से हमने पानी दे दिया है। तो जो पौधे खराब हो रहे हैं वही मैं ज़्यादातर दिखा रही हूँ इसमें। और इधर था मेरा घास, दुर्वा घास जो पूजा में इस्तेमाल होता है, ये तो ठीक है, थोड़ा सा ख़राब हुआ है। और मोस रोज भी सही से चल रहे हैं, बस एक आध पौधे ख़राब हुए हैं। और इधर था मेरा सदाबहार का जो कि ख़राब हो रहा था, पहले ही ख़राब हो रहा था और ये अब बिल्कुल सूख चुका है, तो इसको मैं हटा दे रही हूँ। इसके बीज रखे हुए तो मैं इसी में डाल दूँगी फिर से। और ये बहुत बड़ा था सदाबहार का पेड़ और फूल भी बहुत ज़्यादा देता था। और इधर भी गुड़हल, ये भी सही चल रहा है, जेड प्लांट भी अच्छे से चल रहे हैं। इधर था एक मोसरोज, ये पानी के बिना मुरझा गया है बिल्कुल, तो इसको भी सही होने में 2-3 दिन टाइम लग जाएंगे। छोटे गमले में प्लांट रहते हैं तो जल्दी मिट्टी सूख जाती है, इसलिए शायद ऐसे हुआ है। और इधर अपराजिता, अपराजिता मेरा ठीक है, सही से चल रहा है ये। और इधर था मेरा एक मोसरोज हाइब्रिड वाला, ये गड़बड़ हो गया है, इसके पत्ते जल गए हैं, तो देखती हूँ सही होता है कि नहीं। और ये फर्न, फर्न अच्छा चल रहा है। और इधर कोने में एलोवेरा वगैरह रखा है, तो ये भी सही चल रहा है।
और इधर था वेडेलिया, ये भी सूख गया है, पूरे पत्ते जल गए हैं इसके। तो इसमें भी हमने पानी दे दिया है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, देखते हैं होता है क्या सही फिर से। और इधर था मेरा अम्ब्रेला पाम, ये बहुत पहले भी खराब हो गया था और देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांच निकल गया था, फिर से सूख गया ये। इसमें 5-6 ब्रांच आ गया था, पर देखिए फिर से ये सूख गया है। एक ही स्टेम बचा है हरा, नहीं तो सारे मुरझा गए हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और इधर था मेरा कड़ी प्लांट का एक और पौधा, जिसको हमने कट कर दिया था, और इसमें से 3-4 ब्रांच भी निकल गया था, पर ये अब खराब हो गया है। ये भी यहाँ पे ग्रीन नेट लगा हुआ था तो इसमें फंस करके इसके सारे पत्ते निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं ये सही होता है कि नहीं, क्योंकि जब मैं नहीं थी तो आंधी भी आया था बहुत तेज, तो इसी में ग्रीन नेट फंसा हुआ था। जब मैं आई तो देखी ये इसमें ग्रीन नेट फंसा हुआ है, और मेरा 2 प्लांट खराब हुआ है, एक मधुमालती का था और एक ये कड़ी पत्ता। और इधर था कनेर, और इसी में हमने संध्या मालती का प्लांट लगाया था बीज से, तो ये भी बिल्कुल मुरझा गया है। तो देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो जो हमारे छोटे छोटे प्लांट थे वो ज़्यादा खराब हुए हैं, जो हमने बीज से तैयार किया था। और बच्चों को सबसे ज़्यादा गर्मी की ही छुट्टी मिलती है, तो इसमें हम लोग घर जरूर जाते हैं, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। एक प्लांट है, इसको हमने रोड पर से उठाया था, बिल्कुल सूखा हुआ था। इसका नाम शायद फुरकेरिया प्लांट है, तो देखिए ये लग चुका है, इसको हमने लगा दिया था, तो ये ठीक है, ये चल गया है प्लांट। तो ये फ्री के ही प्लांट तैयार हुआ है। और इधर था हमारा चौलाई, जो 2-3 गमले में हमने लगाया था, तो खराब हो गया है ये भी, बस थोड़ा थोड़ा बचा है, शायद धूप की वजह से जल गया हो। और ये था गुलदाउदी का प्लांट, तो ये भी खराब हो गया है, सूख गया है ये, क्योंकि ये छोटे गमले में था, पानी की कमी हो गई होगी। 2 था, एक तो पहले ही खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, दोनों चले गए। और ये है अलमंडा, अलमंडा भी मेरा सूख चुका है, ये भी बहुत पुराना पौधा था, लगभग 3 साल पुराना था मेरे पास, पर ये ऊपर से सारा सूख गया है, लगभग 2 इंच तक हरी है और जड़ सही है, तो इसको मैं लगा दूंगी, शायद न्यू ग्रोथ शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, जब तक लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।